नए साल का जश्न अभी खत्म ही हुआ था कि शहर में एक क्राइम की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पंचकुला पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये पंचकुला सेक्टर 20 में पुलिस थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले 3 युवक शामिल हैं, जिन्होंने कोरियर कंपनी के व्यक्ति रामचंद्र को रुकवा कर पहले तो उसके 7 डंडों से मारपीट की, वहीं उसके बाद उसके गले पर चाकू रखा गया। ऐसे में कोरियर कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया। वारदात के बाद आरोपी जीरकपुर एरिया की ओर अपनी बाइक पर फरार हो गए। भैया क्या हुआ था? सर मैं वहाँ से पीर मसल्ले से आ रहा था। हाँ, वहाँ तीन लड़कों ने आगे जाके मुझे घेर लिया शमशान घाट से आती थी। हाँ, वहाँ मेरे को बाइक में बांस का डंडा लेकर मारा भी उन्होंने। हाँ, और मेरा बैग भी छीन के भाग गए। तीन लड़के थे। बैग में क्या था? कैश में पैसे थे जी। कितने? 6 लाख कुछ समथिंग ऐसे थे। दो रिकवरी करी ना, कैश उठाए थे। कैश भी तो कम है मेरा जी, कैश उठाए थे मैंने जीरकपुर से पीर मसल्ले से। एक का था 1,73,000 53,000 रुपये थे। एक का 4 था पूरा, कुछ ऐसी समथिंग था। मेरे पास डिटेल पड़ी है उसकी। कितने बजे का समय था जब लूट हुई? जब लूट हुई 7:43 का ऐसे समय था जी। हाँ जी, 7:43 का जी। सात वहाँ से चला जी मैं, 7:35 ऐसे पे चला, 5:36 पे जी वहाँ पे। यहाँ पे 7:43-8:43 के बीच में साथ ऐसे घटना घटी है। तो उनके हाथ में कोई हथियार भी था? हथियार एक चक्कू था जी, उनके हाथ में एक बांस का डंडा ले रखा। बांस के डंडे से मेरे को बहुत मारा है जी यहाँ पे। ये मेरे सूजन लगी हुई है, यहाँ सारा नीला पड़ा हुआ और यहाँ लगा हुआ है। हाँ जी सर, बताएंगे एक लूट हुई है सर, क्या मामला सर? ये जो है एक कुरियर कंपनी के जो कलेक्शन करते हैं वो, तो ये रामचंद्र नाम का व्यक्ति था जिसने जो है कलेक्शन की थी। 2 पॉइंट से डकोली का रहने वाला है, और जो है ये जब कलेक्शन करके जा रहा था इधर शमशान घाट की तरफ कुंडी से आगे, तो उसका ये एलिगेशन है कि वे 3 जो है लड़के स्प्लेंडर बाइक पे आए और उन्होंने जो है इशारा किया, इसकी बाइक रुकवाई, फिर इसको जो है लात मार के गिरा दिया और 6,62,000 समथिंग पैसा उसमें था वो लेके फिर वहाँ से चले गए और डंडे वगैरह इसको मारे। तो ये इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद जो है मैं मौके पे गया, हमारी क्राइम टीम्स आ गई, एसीपी साहब आए, डीसीपी क्राइम साहब आए, एसपी साहब, सारे के सारे मतलब सीनियर अधिकारी भी आए उसमें। तो उसमें जो FIR जो है लॉज करके और अब आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है छानबीन चल रही है, जहाँ जहाँ से जो भी क्लू एविडेंस जो है मिलेगा। तो ये है अभी तक। सर किस चीज़ का पैसा था और युवक किस चीज़ पे था? ये एक कुरियर कंपनी जो होती है वो उनका पैसा था। इनका जो है डेली की कलेक्शन होती है, इवनिंग में भी होती है और मॉर्निंग टाइम में भी होती है। तो मॉर्निंग टाइम में जो है 2 पॉइंट से इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया था। सर युवक का नाम क्या है? रामचंद्र, डकोली का रहने वाला। सर किस चीज़ पे था ये? ये भी मोटरसाइकिल पर था, डिस्कवर मोटरसाइकिल इसके पास थी। सर क्या बताया जा रहा है, ये मतलब युवक किस चीज़ पे आए थे? उनके हाथ में कोई हथियार भी था सर? नहीं, उनके पास डंडे थे, तो डंडे इसको मारे भी हैं उन्होंने। तो अब बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। बाकी जो इसने रिपोर्ट किया है वही है कि भी इसको जो है धक्का मार के गिराया गया और उस पर जो है फिर डंडे मारे गए और लेके वो भाग गए वहाँ से। सर हुई कहाँ है एग्जैक्ट वारदात? एग्जैक्ट जो है यहाँ से आप कुंडी से जो है राइट को सड़क जाती है, आगे पंजाब में एंटर कर जाती है, शमशान घाट पड़ता है, तो उसी सड़क पे जो है मिड में लेफ्ट की साइड को जो है ये बताइए। नए साल के दूसरे दिन पंचकुला में एक क्राइम की बड़ी वारदात हो गई है। ये वारदात लूट की है। जी हाँ, पंचकुला सेक्टर 20 के जो शमशान घाट की रोड है उसके साथ लगते एरिया में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपियों ने कुरियर कंपनी में काम करने वाले रामचंद्र को रोका, डंडे लाठियों से उसकी पिटाई की गई। उसके बाद तीनों में से एक लुटेरे ने उसे चाकू की नोक पर ले लिया। वहीं रामचंद्र के पास मौजूद 7 लाख रुपयों को छीन लिया गया। ऐसे में रामचंद्र की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा से लेकर क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 सेक्टर 26 की टीमें मौके पर आई। खास और बड़ी बात यह है कि यह लूट की वारदात सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर हुई है। ऐसे में दिन दिहाड़े लूट की वारदात का हो जाना और वहीं आरोपियों का फरार हो जाना कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़ा करता है। वहीं अब पंचकुला पुलिस की ओर से साइबर क्राइम की जो टीमें हैं उन्हें जांच के लिए लगाया गया है। मौके से जाकर मोबाइल डंप उठाए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। वहीं जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के
अपराधी हैं उनकी तस्वीरें शिकायतकर्ता रामचंद्र को दिखाई जा रही हैं। वहीं अब पुलिस की ओर से इस मामले के अंदर स्केच भी बनवाया जाएगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, चंडीगढ़ दिनभर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।